बाल गंगाधर तिलक का योगदान। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र प्रांत के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। तिलक केसरी व मराठा पत्रों के संपादक भी थे। सन 1896 ईस्वी में अकाल में उन्होंने भारतीयों की उल्लेखनीय सेवा की थी। 1908 ईस्वी में उन्हें पुनः जेल की सजा दी गई। 1914 ईस्वी में जब वह जेल में से रिहा हुए तो उन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया था। तिलक की मृत्यु 1920 ईस्वी में हुई थी। उनका कहना था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज पर प्राप्त के लिए उन्होंने 4 साधन बताए थे। पहला कि स्वदेशी भावना का प्रचार करना, दूसरा बताया था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, तीसरा बताया था राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और चौथा बताया था शांतिपूर्ण सक्रिय विरोध करना।